सर, सबसे पहले बधाई कि आज कम से कम जो एयरपोर्ट है उसका नाम पैनल आप लोगों ने रखा है, इस विषय में आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? आज के असेंबली डिस्कशन में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होलोंगी है उसको रीनेमिंग के लिए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के तौर पे दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर के नाम से एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया गया और इस रेजोल्यूशन को यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में भेजेंगे और फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यूनियन कैबिनेट में इसको टेबल करके तो वहाँ से फाइनल अप्रूवल भारत सरकार में ये हो जाएंगे। सर, अभी एक अरुणाचल में बहुत चर्चित चल रहा है जो कूट मार्च को लेकर के, तो अभी हाल ही में सोशल मीडिया में वायरल चल रहा था कि आपका CMO ऑफिस से 5 करोड़ का ऊपर किया गया था जो कूट मार्च कर रहा है, ये कहाँ तक सच है सर? ये देखिए टोटली ये गलत है, ये एलिगेशंस जो लगा है और जो फूड मार्च जो जा रहा है दिल्ली, इसका जो मेन क्या मकसद है ये तो जो फूड मार्च करने वाला वही लोग बता पाएगा। जहाँ तक जो एलिगेशंस जो लगाया है सरकार के ऊपर में लगाया हो या हमारे ऊपर में जो लगाया हो, देखिए वी आर ए वेरी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट नंबर वन। कुछ भी अगर लोगों को लगता है कि सरकार करप्टेड है, मेल प्रैक्टिस करता है, तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करते आया हूँ कि आप कोर्ट के दरवाज़ा जाके खटखटाना है, वहाँ जाके आप लोग PIL केस दर्ज कीजिए या वट एवर नेचर केस में दर्ज करके वहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो मेरिट बेसिस पे कोर्ट में जाके लड़ाई करना है। ऐसे नहीं कि डेमोक्रेसी के नाम पे आप पदयात्रा निकलो और लोगों को झूठा खबर सुना के लोगों को गुमराह करके मिसगाइड करो, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सर, ये अभी जो आपको क्या लगता है, जो अभी जितना इशूज़ चल रहा है, ये आपको कैसे लगता है कि कोई पॉलिटिकल मोटोस में मतलब आपको हटाने के लिए या फिर किसी को इधर उधर करने के लिए कर रहा है, किसी पॉलिटिकल कोई लगा रहा है, ऐसे आपको क्या लगता है सर? देखिए क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स के बिना तो कुछ चीज़ होता भी नहीं है, तो ऑलरेडी क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी कोर्ट में ऑलरेडी चल ही रहा है, तो इसमें आई थिंक ये सब नोटबाजी करने का ज़रूरत तो नहीं था। तो इसमें अभी कौन है क्या नहीं है इसमें हमको ज़्यादा हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हम केवल यही बता पाएंगे अपने अरुणाचल के जनता को कि अपना गवर्नमेंट जो है बहुत ही तीन तरीका से बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हम लोग काम कर रहा है और जो भी एलिगेशन है वो एक साजिश है गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। आखिरी सवाल, ये जो फूड मार्च कर रहा है ये तो लगातार दिल्ली की ओर चल रहा है, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज तो क्या देंगे उन लोगों को कि वो लोग खुद ही अभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चिर के इस तरह का जो जो पदयात्रा करके अरुणाचल का बदनामी कर रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मैटर अगर जेन्युइन है तो डेफिनेटली कोर्ट में उस मैटर को लेके टेक्निकली कोर्ट में लड़ाई लड़ना चाहिए। सर, आज सुबह एक न्यूज़पेपर में रिसेंटली सुनने में आया था कि यू हैव विजिटेड टू न्यू दिल्ली टू मीट BJP प्रेसिडेंट JP नड्डा टू रिसफल द 12 मेंबर्स कैबिनेट। नहीं, गलत है, टोटली गलत है। मैं न्यूज़ क्लिपिंग दिखा भी नहीं हूँ ये, लेकिन किसी ने बताया कि इस प्रकार से कुछ रिसफल का या उस तरह से एक न्यूज़ आर्टिकल छपा है, ये टोटली गलत है। सर, आपका गवर्नमेंट अनस्टेबल है ऐसा भी कुछ बोल रहा था उसके बारे में? 60 असेंबली हाउस में BJP एज ऑफ नाउ वी आर 49 मेंबर्स। इसके अलावा हम लोगों का जो ये NDA का में जो पार्टनर्स है वो है NPP और साथ में इंडिपेंडेंट MLAs है, तो सबको मिला के आउट ऑफ 60 हम लोग 56 मेजोरिटी हम लोग एंजॉय कर रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी होने का बिल्कुल 0.0001% भी नहीं रहता है।